यानी अगर 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इस तूफान के दौरान बन रहा है तो हमारे पास मास ऑफ ओजोन क्या होगा गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन जो कि 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन हमें गिवन है फाइंड आउट हमने करना है मास ऑफ ओजोन को मास ऑफ ओजोन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मोलर मास ऑफ ओजोन को फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद इस मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर देंगे ओजोन ओ थ्री क्योंकि एक मॉलिक्यूल है सो सबसे पहले हम इसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है यही वजह है कि इसको थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू थ्री इक्वल होता है 48 एट एम यू के जो कि हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ ओजोन है जैसे ही हम ए एमयू यूनिट को रिप्लेस कर देते हैं ग्राम से तो ये हमारे पास हो जाता है 48 एट ग्राम्स और ये इक्वल है हमारे पास वन मोल के सो वन मोल ऑफ ओजोन का मास होता है फोर्टी एट ग्राम्स फाइंड आउट करना है हमने नाइन पॉइंट जीरो फाइव मोल्स ऑफ ओजोन का क्या मास होगा सो so इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सो so आप देख सकते हैं कि फोर्टी एट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया नाइन पॉइंट जीरो फाइव से डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया वन मोल 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 के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास रह गया ग्राम्स पर आ गया हमारे पास आंसर ग्राम्स ऑफ ओजोन। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे